तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12। तो एक फ्रैक्शन है, उसका जो डिनोमिनेटर है वो उसके न्यूमरेटर से 12 ज्यादा है। अभी फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, कि अगर कोई भी नंबर ए अपॉन बी या समथिंग अपॉन समथिंग अगर लिखा है तो हम उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि मैं 2/5 लिख दूं तो ये भी एक फ्रैक्शन है। पर इस फ्रैक्शन में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कि ये फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो क्या है, वो 2 है, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, यहाँ पे 5 है। तो ये केस में जो डिनोमिनेटर है वो उसके न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो इसी के न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है। पर ये जो हमको क्वेश्चन दिया है उसमें जो डिनोमिनेटर है वो उसके फ्रैक्शन से 12 ज्यादा है। तो हमें तो पता ही नहीं कि यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या लिखते हैं कि लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स। हम लिखते हैं कि लेट द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बी एक्स। तो हमने क्या किया कि हमने उसके न्यूमरेटर को एक्स मान लिया है, एक्स अज्यूम कर लिया। तो अगर न्यूमरेटर को एक्स अज्यूम किया है तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर 12 ज्यादा है उससे। तो किससे ज्यादा, वो न्यूमरेटर से 12 ज्यादा है, मतलब न्यूमरेटर से वो 12 ज्यादा है। तो ये इस तरह हो सकता है स्टूडेंट्स कि न्यूमरेटर का जो वैल्यू रहेगा वो और प्लस 12 करेंगे तब जाके डिनोमिनेटर बनेगा, बिकॉज उन्होंने साफ साफ बोला कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 12 ज्यादा है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, देयरफॉर डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 12 हो जाएगा स्टूडेंट्स, x प्लस 12 हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखा कि इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2। तो अब हमको क्या बोला कि ये न्यूमरेटर जो है इसको डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे 2 से, इसमें से 2 कम कर देंगे। एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7, और जो डिनोमिनेटर है उसको इंक्रीज करेंगे 7 से। अब ये सेकेंड कंडीशन है कि जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमारे पास था उसमें हमको न्यूमरेटर में 2 कम करना है और डिनोमिनेटर में 7 इंक्रीज करना है। तो द न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट विद 1/2। उसके बाद अगर ये जो भी वैल्यू बनेगा उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो हमको मिलेगा 1/2। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जो है वो हम पहले लिखते हैं कि जो एक्चुअल फ्रैक्शन है वो क्या है, वो है x अपॉन x प्लस 12। ये हमारा एक्चुअल फ्रैक्शन है जहां पे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 12 ज्यादा है। फिर हमें क्या बोला है कि जो नया फ्रैक्शन आने वाला है वो कैसा होएगा, तो हम बोलेंगे कि न्यू फॉर न्यू फ्रैक्शन, या हम बोल सकते हैं कि न्यू फ्रैक्शन, उसमें क्या हो रहा है कि न्यूमरेटर में उन्होंने 2 को माइनस करने बोला है, लिखा कि इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7, तो हम बोलेंगे न्यूमरेटर डिक्रीज बाय 2, न्यूमरेटर डिक्रीज्ड बाय 2। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पहले न्यूमरेटर इतना था तो हमने डिक्रीज बाय 2 किया तो वो हो जाएगा x माइनस 2, मतलब न्यूमरेटर x था उसमें से 2 डिक्रीज कर दिया और डिनोमिनेटर में 7 इंक्रीज कर दिया। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे डिनोमिनेटर इंक्रीज्ड बाय 7। अगर डिनोमिनेटर 7 से इंक्रीज हुआ है तो डिनोमिनेटर क्या था, x प्लस 12 था, तो वो x प्लस 12 प्लस 7 हो जाएगा। तो ये हमारा कंडीशन है, जो न्यूमरेटर को 2 से डिक्रीज किया है और डिनोमिनेटर को 7 से इंक्रीज किया है। तो अब जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन रहेगा वो क्या हो जाएगा, उससे पहले हम लोग ये दोनों को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कि एक्चुअल में फिर वो टोटल क्या हो जाएगा, 12 प्लस 7 19 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये हमारा नए फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है। तो सिंस न्यू फ्रैक्शन का वैल्यू क्या है, 1/2, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमें क्या मिलेगा कि इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं, किसको, x माइनस 2 को और x प्लस 19 को,
अब स्टूडेंट से 19 क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या किया 12 और 7 को ऐड कर दिया ये फ्रैक्शन में और 7 को इंक्रीज किया, सॉरी ये डिनोमिनेटर में हमने 7 को और इंक्रीज किया। तो गिवन कंडीशन से क्या आएगा कि दोनों का जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो मिल जाएगा अपने को 1/2। अब हमें इसे एक इक्वेशन समझ के इसको सॉल्व करना है, तो किस तरह सॉल्व हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो हम इन दोनों को क्रॉस कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो वो कैसा हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस 2 से और 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं x प्लस 19 से। इसमें 2 इंटू x बन जाएगा 2x, माइनस 2 टू 4 हो जाएगा और 1 इंटू x सेम रहेगा x, प्लस 1 इंटू 19 रहेगा। फिर ये ग्रेटर वेरिएबल वाला है, ये स्मॉलर है, स्मॉलर को ग्रेटर के पास लेके आते हैं, तो 2x और ये प्लस x इस तरफ आ गया तो माइनस x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 19 बचता है, प्लस 19 इस तरह लिखा जाता है, माइनस 4 यहाँ पे आ गया तो प्लस 4 हो जाएगा। 2x माइनस 1x कर दे तो 1x आएगा और 1x को लिखा जाता है x और 19 और 4 को अगर हम ऐड कर देते तो बन जाएगा 23। तो हमें ये x का वैल्यू मिल गया स्टूडेंट्स, और हमें पूछा क्या है कि फाइंड द फ्रैक्शन। तो ये था हमारा फ्रैक्शन जिसमें x अगर हमको मिला है 23, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे 23 और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 23 प्लस 12। तो हम बोल सकते देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, फाइनली देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी जो था x अपॉन x प्लस 12 था, अब वो बन जाएगा 23 अपॉन 23 प्लस 12 और इसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा 23 अपॉन 35। तो ये है फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।